पर अरुणिता की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। पवनदीप अरुणिता के दीवाने मस्ताने फैन का ये हाल है कि कड़कड़ाती ठंड में भी घंटों बैठकर पवनदीप अरुणिता की परफॉर्मेंस देखने के लिए तैयार हैं। और तो और पवनदीप को छूने के लिए, पवनदीप को एक नजर देखने के लिए इस कदर फैंस बेताब रहते हैं कि आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। असम वाली परफॉर्मेंस में एक फैन ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि आप वीडियो देखकर शॉक्ड रह जाएंगे। जी हां, असम में परफॉर्मेंस के दौरान एक फैन पवन को छूने के लिए मंच तक चढ़ गया। वो सब तो ठीक था, लेकिन फैन मंच पर खड़े पवन के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। पवनदीप के हाथ में गिटार होता है, इसलिए वो अचानक से उस शख्स को पकड़ नहीं पाते। लेकिन जब वो शख्स काफी देर तक पवन के पैरों को छोड़ता नहीं है, तो पवन को गिटार नीचे रखकर उस शख्स को उठाना पड़ता है। पवन गिटार छोड़कर उस शख्स को पकड़ने लग जाते और पवन के पास खड़े पुलिस वाले भी उस शख्स को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। पवन उनके सम्मान को देखकर बहुत खुश होते हैं और पवन उनके सम्मान के लिए उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वही पवन के इस फैन को देखकर सब तरफ चर्चा हो रही है, हर कोई पवन के नेचर की तारीफ कर रहा है, लोग खुश हो रहे हैं और इस वीडियो को बार बार देखा जा रहा है कि किस कदर पवनदीप के फैन उनके लिए पागल होते हैं। आपको पवनदीप का ये फैन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता का तेरे नैना गाना खूब सुर्खियों में है। पहले ही दिन में तेरे नैना को लाखों व्यूज मिल चुके हैं। गाने के एक एक सीन ने लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया, खूब प्यार बटोरा। वहीं इस गाने के कुछ दिलचस्प किस्से भी बताते हैं, जिसे सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी और रोमांटिक कपल का ये प्यार देखकर आपको मजा भी आने वाला है। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख ही रहे हैं कि लद्दाख में किस कदर ठंड हो रही है और इस ठंड में पवन अरुणिता ने गाने की शूटिंग की। शूटिंग के दौरान पवन अरुणिता को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, खासकर अरुणिता को। जैसा कि आपने देखा, पूरे गाने में अरुणिता को ज्यादातर साड़ी में शूटिंग करनी पड़ी। हालांकि सीन्स में सूट भी पहने दिखाई दी अरुणिता, लेकिन साड़ी में शूटिंग करना अरुणिता के लिए बहुत मुश्किल हो गया। झील के किनारे पतली महीन साड़ी पहनकर अरुणिता जब शूटिंग कर रही थी तो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी। ऐसे में पवन ने अरुणिता की शूटिंग जल्द से खत्म करवाई और पवन ने अरुणिता की ठंड की वजह से गाने में आग वाला सीन भी रखा था और परफेक्ट शूट के लिए उनकी मदद भी कर रहे थे। बार बार शूटिंग हो रही थी तो पवन उनके पास उनकी जैकेट लेकर जा रहे थे। ब्रेक के वक्त अरुणिता को बार बार जैकेट पहनने को कह रहे थे और पवन उनका बहुत ख्याल रख रहे थे। हालांकि उस दौरान अरुणिता को ठंड लग रही थी और वो बुरी तरह कांप भी रही थी, लेकिन पवन के पास होने पर अरुणिता की शूटिंग आसान हो गई और अरुणिता ने इतनी ठंड में भी पवन के साथ बेहतरीन शूटिंग कर ली। पवन अरुणिता को बार बार जूते भी पहनने को बोल रहे थे, ऐसा इनके टीम के लोग बता रहे हैं। पवन अरुणिता के इस गाने पर फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया है। आपको पवन अरुणिता के तेरे नैना का कौन सा सीन सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल के एक फोटो ने दिल की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अरुणिता कांचीलाल के फैंस भी इन्हें एक साथ देखने के लिए तरसते और जैसे ये पिक्चर देखी वैसे ही सोशल मीडिया पर शोर शराबा होने लगा। लोग अरुणिता पवन की इस पिक्चर पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। एक दूसरे के सिर से सिर जोड़कर दोनों पोज देते दिखाई दिए और एक दूसरे को निहारते दिखाई दे रहे हैं। जी हाल ही में एक इवेंट के बाद अरुणिता पास के एक मॉल में घूमने गई थी। यहां इनकी टीम के कुछ और भी सदस्य गए थे और सबने खूब मौज मस्ती की, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फोटो शूट भी जम कर लिया। लेकिन जब पवन अरुणिता की एक फ्रेंड इनके पास आई तो फोटो शूट का मजा दोगुना हो गया। तो पवन अरुणिता को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। दोस्त के आने से पवन अरुणिता एक दूसरे के और ज्यादा क्लोज हो गए। पवन अरुणिता एक दूसरे के सिर से सिर जोड़कर फोटो शूट करते दिखाई दिए। दरअसल दोस्त ने फोटो के लिए कहा तो पवन अरुणिता को पास होकर फोटो शूट करवाना ही पड़ा। इस दौरान अरुणिता ने येलो कुर्ता पहना था, वही उनके पास वही हेडफोन दिखाई दिए जो पवनदीप इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि अब दोनों एक दूसरे की चीजें भी खूब इस्तेमाल करते हैं और अरुणिता को तो कई बार पवन की टी शर्ट पहने देखा गया। वहीं पवनदीप वाइट शर्ट पहने दिखाई दी और ये शर्ट अरुणिता की पसंदीदा शर्ट है। अब देखना होगा कब अरुणिता पवनदीप की इस शर्ट को पहनती है। आप इनके इस फोटो के बारे में क्या कहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अरुणिता कांचीलाल का एक बहुत ही प्यारा वीडियो सामने आया जिसमें अरुणिता कांचीलाल का जलवा तो देखिए। अरुणिता कांचीलाल के इस वीडियो ने फैंस का दिल खुश कर दिया और इन सबसे ज्यादा तो अरुणिता के घर वाले खुश हो रहे होंगे अरुणिता का ये वीडियो देखकर।
अरुणिता खुद अपना ये वीडियो देखकर कैसा फील कर रही होंगी ये जानना भी वाकई बहुत दिलचस्प होगा। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि अरुणिता खुद को सुपरस्टार समझ रही हैं। वैसे इसमें कोई शक भी नहीं है, अरुणिता कांचीलाल किसी सुपरस्टार से कम भी नहीं है और इतनी ऊंचाइयों तक जाने के बाद भी अरुणिता कांचीलाल के नेचर अभी भी वैसा की वैसा ही है। अरुणिता कांचीलाल कल जैसी थी आज भी वैसी है। आज भी वो लोगों से खूब प्यार से मिलती हैं, उनके बीच जाकर खूब बातें भी करती हैं। लोग उनके नेचर और इस सदा पर खूब फिदा हैं। एक बार फिर अरुणिता कांचीलाल का जब दबंग रूप देखने को मिला तो वाकई लोगों को उन पर खूब प्यार आया। वैसे तो अरुणिता कांचीलाल इतनी सीधी सादी और भोली भाली है कि उनका कोई दबंग रूप देखने को मिलता ही नहीं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप अरुणिता का दबंग रूप भी देख लीजिए। जी हाँ, कल उड़ीसा वाले शो में अरुणिता कांचीलाल जब कार से उतरी तो उन्हें जिस तरह से लोगों की भीड़ से निकाला गया वो आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। अरुणिता कैसा फील कर रही होंगी उन्हें शब्दों में भी बताया नहीं जा सकता है। जी हाँ, अरुणिता जैसे ही कार से उतरी उनके 4-5 बॉडीगार्ड्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनकी मैनेजर भी उनके साथ दिखाई दी। जी हाँ, अब अरुणिता कांचीलाल कहीं भी अकेले बिना पवन दीप के जाती है तो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चलती है और चारों तरफ से लोगों की भीड़ थी। हर कोई कैमरा फोन लेकर अरुणिता के पास सेल्फी लेने के लिए जा रहा था, ऑटोग्राफ लेना चाह रहा था और अरुणिता के गार्ड्स ने कैसे उन्हें मंच तक पहुंचाया वाकई इस वीडियो ने सबका दिल खुश कर दिया। अरुणिता कांचीलाल की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, लोग इन पर खूब प्यार लुटा रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल के इस इवेंट की कुछ फोटोज भी सामने आई हैं जिसमें अरुणिता कांचीलाल छोटे छोटे बच्चों से मिलकर बहुत खुश हो रही हैं, उन्हें ऑटोग्राफ दे रही हैं, उनके गिफ्ट्स भी ले रही हैं। क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं अरुणिता कांचीलाल को नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। 24 दिसंबर को अरुणिता कांचीलाल का कोलकाता में प्राइवेट शो हुआ। इस शो में अरुणिता के संग पवनदीप नहीं पहुंचे। जी हाँ, पवनदीप को नहीं बुलाया गया बल्कि उनकी जगह मोहम्मद फैज पहुंचे। मोहम्मद फैज अब अरुणिता कांचीलाल के संग उनके शहर कोलकाता पहुंचे। सुबह साउंड चेक करते वक्त बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई, अरुणिता और फैज ने मंच हिला कर रख दिया। वही आपको बता दें ये शो प्राइवेट था। जी हाँ, किसी वेडिंग फंक्शन में अरुणिता कांचीलाल और फैज को कलकत्ता होटल में बुलाया गया था। यहाँ काफी सारे लोगों का इंतजाम था और इस आलीशान होटल में अरुणिता ने अपने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। इन्हीं में से एक अरुणिता और फैज का खास स्वागत भी किया गया। सुबह के वक्त फैज साउंड चेक करते दिखाई दिए। अरुणिता यहाँ फंक्शन करने के बाद लोगों से मिली और खूब एंजॉय भी किया, नाच गाना भी किया। लेकिन इस बीच लोगों ने पवनदीप को बहुत मिस किया। लोग पवनदीप के बारे में सवाल पूछते नजर आए। अरुणिता के साथ पवनदीप को न देखकर लोग निराश भी हुए कि आखिर पवन को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या अरुणिता पवन के संग जाने के लिए तैयार नहीं थी या फिर पवनदीप अपने शो में बिजी हैं? तो फैंस, ऐसा ही हो सकता है, पवनदीप अपने अपकमिंग शो में भी बिजी हो सकते हैं। जी हाँ, 27 दिसंबर को पवनदीप का भी असम के शिव सागर में कॉन्सर्ट होने वाला है जिसकी तैयारियों में पवनदीप बहुत बिजी हैं। और अभी अभी तो पवनदीप अरुणिता का तेरे नैना सॉन्ग भी रिलीज हुआ है जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। पवन अरु का ये गाना अब तक करोड़ों व्यूज पा चुका है। आपको इनका ये सॉन्ग कैसा लगा और सबसे बेहतरीन सीन कौन सा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।